हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मशरूम कल्टीवेशन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, तो मशरूम क्या है? मशरूम एज अ फ्लेशी फंगाई। इसको फ्लेशी फंगाई क्यों कहते हैं? क्योंकि फंगाई इसको इस बेस पे कहते हैं कि इसका ताल्लुक जो है ये किंगडम फंगाई से है। और फ्लेशी इस वजह से कहते हैं कि चूंकि ये एडेबल होते हैं और ये अल्टरनेटिव सोर्स होता है फ्लेश, यानी गोश्त की कमी को भी ये पूरा करते हैं। और यानी जितने न्यूट्रिएंट्स गोश्त में पाए जाते हैं वो इसमें भी पाए जाते हैं। तो फ्लेशी फंगाई है, इसको हम यूज़ करते हैं खाने के पर्पजेज में। तो इस बेस पे इसको फ्लेशी फंगाई कहते हैं। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है इसका आप लोग देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो कहते हैं कि इसके टॉप पे स्मॉल अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये जो है इसका कैप कहलाता है। और ये कैप या इसको पाइलियस भी कहते हैं, कैप या पाइलियस। तो ये कैप या पाइलियस है, इसके ऊपर ये स्केल्स पाए जाते हैं। और इसके नीचे अगर आप लोग देखें ये गिल्स हैं जहाँ पे इनके स्पोर्स बनते हैं या बिसिडिया बनते हैं। तो ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। ये देखें, ये इसका एनुलस रिंग है, ये इसका स्टेम है, और ये कप है या इसको वोल्वा भी कहते हैं। और इसके नीचे ये देखें माइसिलिया या रॉयजाइड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है मशरूम का। अच्छा, ये नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिस तरह हमने पढ़ भी लिया, माइसिलिया इसको कहते हैं। और ये माइसिलिया क्या करते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, यानी जो सॉइल है उसे ये न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करते हैं। और इनको सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, यानी अपने न्यूट्रिएंट्स को जो है ये जब एब्जॉर्ब करते हैं तो फर्दर उसको जो है उसको कन्वर्ट नहीं करते ऑर्गेनिक फॉर्म में, बल्कि ये ऑर्गेनिक फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं या इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ये क्या करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस वजह से इसको हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी फंगाई हैं ये सारे हेटरोट्रॉप्स हैं। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं करते। अच्छा, इसमें गिल्स होते हैं ऊपर जिसमें बिसिडिया पाए जाते हैं, इसको बिसिडियो स्पोर्स भी कहते हैं। ये जो स्पोर्स बनते हैं इसको बिसिडियो स्पोर्स भी कहते हैं। और कहते हैं कि सिंगल मशरूम जो है ये तकरीबन मिलियंस ऑफ ये बेसिडियोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये इसकी पर सेवरल टाइप्स हैं जो एडेबल मशरूम कहलाती हैं, यानी इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर फूड पर्पसेस। ये जो टॉप पे फर्स्ट आप लोगों को नजर आ रहा है दरना बटन लाइक मशरूम जो आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको एगेरिकस बिस्पोरस कहते हैं। ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, यानी इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एगेरिकस बिस्पोरस। नेक्स्ट जो आप लोगों को नजर आ रहा है जिसका एक चौड़ा कैप है ऊपर टॉप पे ना, इसको गेरिकस बेट्रोपिस कहते हैं। ये जो है जो थर्ड वन है इसको कहते हैं लेंटिनस एडोडिस कहते हैं इसको। और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप है इसमें फोर्थ नंबर पे, इसको ट्रेमिला फ्यूजीफॉर्मिस कहते हैं। और ये फिफ्थ वन जो आप लोगों को बटन लाइक कैप इसकी स्मॉल स्मॉल आउटग्रोथ नजर आ रही है, इसको फ्लेमोलिना वेलुटिप्स कहते हैं। तो ये फ्लेमोलिना वेलुटिप्स है। ये इसके अलावा भी काफी टाइप्स हैं इसकी, लेकिन ये जो फाइव हैं इसके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस स्पीशीज हैं जो एडेबल मशरूम के क्लास में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हम रॉ मटेरियल इसके फॉर्म पर अगर हम कल्चर करते हैं इसको ना, इसकी फार्मिंग करते हैं, इसकी कल्चरिंग करते हैं, तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं फॉर देयर ग्रोथ मीडियम, तो इसमें फर्स्ट जो है वो एनिमल मेन्योर है, यानी एनिमल मेन्योर जो गोबर वगैरह होता है ये यूज होता है इसकी कल्चरिंग में या रॉ मटेरियल में। हॉर्स मेन्योर भी हम इसकी कल्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल वेस्ट वेस्ट जो है इसको भी हम यूज कर सकते हैं। फॉरेस्ट लेटर यानी जो पत्ते होते हैं फॉरेस्ट के ना, जो गिर जाते हैं और जो सूख जाते हैं, ये फॉरेस्ट लेटर इसको भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉ फ्रॉम
वीट और राइस, ये जो स्ट्रॉ वगैरह होता है उसका भूसा वगैरह होता है, तो ये स्ट्रॉ वगैरह भी हम वीट या राइस का इसकी कल्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वीट ब्रान है जिसको हम चोकर कहते हैं, तो ये चोकर भी हम इसके रॉ मटेरियल्स में यानी फॉर कल्टिवेशन इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसके डिफरेंट जो है रॉ मटेरियल है जो इसके लिए सोर्स ऑफ मीडियम यूज होते हैं। अच्छा, इसमें देखें कि मशरूम जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन होते हैं, हाई प्रोटीन कंटेंट इसमें होती है मशरूम में, और ये तकरीबन 20 to 30% बाई ड्राई वेट के बनाते हैं। इस वजह से इसको हम कहते हैं फ्लैशी फंगाई, यानी ये अल्टरनेटिव टू मीट होता है या फ्लैश होता है ना, तो इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा फाइबर्स इसमें होते हैं, और फाइबर्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि हेल्प्स लोअर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। विटामिन डी इसमें होता है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में हेल्प करता है, जो बोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कॉपर है, कॉपर एड इन बॉडी एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होती है, और इस तरह रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है कॉपर। सेलेनियम, सेलेनियम जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट्स का फायदा क्या होता है कि ये न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को, और इस तरह सेल डैमेज को रिड्यूस कर देते हैं, और रिस्क ऑफ कैंसर या दूसरे डिजीज जो है उसको रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा पोटाशियम है, पोटाशियम भी इम्पोर्टेंट होता है, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और कहते हैं कीप सेल्स फंक्शनिंग प्रॉपरली, यानी जितने भी बॉडी सेल्स हैं उनको प्रॉपर फंक्शंस में रखते हैं। इसके अलावा जो है अदर जो है मिनरल्स भी हैं, जिसमें फास्फोरस है, जिंक है, मैग्नीशियम है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप के मिनरल्स हैं ये सारे के सारे इसमें मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं, या इवन ट्रेस एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा लो लेवल ऑफ फैट, इसकी और इम्पोर्टेंस क्या है कि इसमें फैट कंटेंट्स बहुत कम होते हैं। कैलोरीज, अच्छा इतनी ज्यादा कैलोरीज भी नहीं होती, क्योंकि कैलोरीज जो है वैसे कैलोरीज जो है बॉडी के लिए अच्छी होती है, एनर्जी है, लेकिन टू मच कैलोरीज इस वजह से ये जो है बैड कंसिडर होती हैं, कि अगर हम कोई काम वगैरह नहीं करते और कैलोरीज को बर्न नहीं करते तो ये इससे फिर क्या होता है कि वेट गेन हो जाता है। तो वेट गेन जो है अगर आप काम नहीं करते और इसको कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फूड को कंज्यूम करते हैं जिसमें हाई कैलोरीज होती हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि वेट गेन हो जाता है। इसके अलावा लो लेवल ऑफ सोडियम, अब सोडियम जो है ये क्या करता है कि ये ब्लड प्रेशर को राइज करता है, क्योंकि बॉडी की जो है फ्लूइड होल्डिंग कैपेसिटी को ये इंक्रीज कर देते हैं, फ्लूइड होल्डिंग कैपेसिटी को ना सोडियम, तो इस वजह से जो है ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, जिसका जो है वो हार्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है, हार्ट स्ट्रोक काज कर सकते हैं, हार्ट फेलियर, तो हार्ट अटैक आ सकता है ना। तो ये भी जो है इसमें लो लेवल पाए जाते हैं फैट, कैलोरीज और सोडियम। और इसके अलावा जो है लो कोलेस्ट्रोल, नो कोलेस्ट्रोल होता है, यानी कोलेस्ट्रोल कंटेंट इसमें नहीं होते। वैसे भी फंजाई में जो है वो कोलेस्ट्रोल नहीं होते, जो है उसमें एर्गोस्टिरोल होते हैं उसके सेल वॉल में। तो ये जो है हमारा टॉपिक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको मजीद जो है आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू।